आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कक्षा आठवीं में हम केवल स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर जमा स्वर बराबर स्वर संधि, अर्थात जब स्वर के पश्चात स्वर आता है तो स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या जमा आलयः विद्यालयः, यहाँ पे द्या में आ स्वर है, उसके बाद फिर आ स्वर आ रहा है, आ जमा आ बराबर आ हो गया और विद्यालय बना। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के पांच भेद हैं। दीक संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यम संधि, अयादि संधि। आज हम पहला भेद दीक संधि का अध्ययन करेंगे, पहले और दूसरे भेद का अध्ययन करेंगे। दीक संधि ए आ ई ई उ री री के पश्चात यदि समान स्वर आता है तो ए आ को आ, ई ई को ई, उ ऊ को ऊ, री री को री का आदेश हो जाता है, अर्थात ए आ जमा समान स्वर बराबर आ, ई ई जमा समान स्वर बराबर ई, उ ऊ जमा समान स्वर बराबर ऊ, री री जमा समान स्वर बराबर री। जैसे धन शुभ जमा अवसरे, यहाँ पर भा में आस्वर है, उसके बाद फिर आस्वर आ रहा है, आ जमा आ बराबर आ हो गया और शुभावसरे बना। रवि जमा इंद्राहा, यहाँ पे ई आ रहा है, उसके पश्चात फिर ई आ रहा है, बराबर ई हो गया, समान स्वर है, इसलिए रविंद्राहा बना। भानु जमा उद्याहा, यहाँ पे ऊ स्वर आ रहा है, उसके पश्चात फिर समान स्वर ऊ आ रहा है, तो ऊ जमा ऊ बराबर ऊ हो गया और भानु द्य बना। दूसरा भेद है गुण संधि। ए आ के पश्चात यदि ई ई आए तो ए, उ उ आए तो ओ, री री आए तो अर का आदेश हो जाता है। ए आ जमा ई ई बराबर ए, ए आ जमा उ उ बराबर ओ, ए आ जमा री बराबर अर। जैसे महा जमा इंद्राहा, यहाँ पर आस्वर है, आ के पश्चात ईश्वर आ रहा है, आ जमा ई बराबर ए हो गया और महेंद्राहा बना। महा जमा उत्सवे, यहाँ पे आस्वर आ रहा है, उसके बाद फिर ऊ स्वर आ रहा है, आ जमा ऊ बराबर ओ हो गया और महोत्सवे बना। महा जमा ऋषि ही, यहाँ पे आस्वर है, आ के बाद री स्वर आ रहा है, आ जमा री बराबर अर हो गया और महर्षि ही बना। अर में रा के नीचे हलंत है, जब रा व्यंजन होता है, रा के नीचे हलंत होता है तो वो सिर पर चला जाता है, जब रा स्वर होता है तो वो टांग में आता है और महर्षि ही बना।